हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की जो रेसिपी है वो होने वाली है वेज मंचूरियन। तो चलते हैं सीधे रेसिपी की तरफ, और उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना, और चलते हैं सीधे रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले ले लिया है हमने इसमें कैरेट एंड कैबेज चॉप। उसके बाद डालेंगे हम इसमें बॉइल्ड मैश पोटैटो, और उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें कोरिएंडर चॉप, और इसके बाद थोड़ा सा मैदा ऐड कर देंगे, और इसके बाद करेंगे हम थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा, और उसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें सॉल्ट और एरोमेटिक पाउडर, और उसके बाद सो मिक्स कर देंगे हम। हल्का सा थोड़ा पानी का यूज़ भी कर सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ही। एक डो टाइप का इसको रेडी कर देंगे। तो अब करना है हमें इनको फ्राई। तो तेल गर्म हो चुका है हमारा, और इसके बाद हम एक एक करके गोलियां डाल देंगे तेल में और फ्राई करेंगे इन्हें। और जब तक हमारी ये मंचूरियन फ्राई होते हैं तब तक हम इनकी सॉस बना लेंगे मंचूरियन के लिए। सबसे पहले ले लिया मैंने एक पैन, और पैन में सबसे पहले डालेंगे हम तेल, और तेल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक और जिंजर चॉप किया हुआ। तो इसे भी थोड़ा सा हम कर देंगे सौते, और सौते करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली। तो ग्रीन चिल्ली डाल दिया हमने, इसको भी थोड़ा सा सौते कर देना है, और इसके बाद डालेंगे हम इसमें चॉप ऑनियन, और ऑनियन को भी थोड़ा सा हमने सौते करना है। हल्का सा ब्राउन कर देंगे इसके अच्छे से। तो ऑनियन ब्राउन हो चुका है, और उसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसके बाद करेंगे हम इसमें यूज़ थोड़ा सा चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें, और उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें डार्क सोया सॉस। थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे, अच्छे से हिला देंगे। उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें नमक अपने हिसाब से, और थोड़ा सा एरोमेटिक पाउडर, इसको भी अच्छे से कर देंगे हम मिक्स। अब थोड़ा सा इसे उबलने देंगे, और उसके बाद हमें थोड़ा ऐड करना है इसमें टमाटो केचप। तो थोड़ा सा हम इसमें एक चम्मच डालते हैं टमाटो केचप। तो टमाटो केचप भी अच्छे से सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला देंगे, और मंचूरियन भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। सॉस भी दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, सॉस भी हमारी रेडी हो ही चुकी है। और अब ऐड कर देते हैं हम इसमें जो मैंने फ्राई किए हुए मंचूरियन है उनको, इसमें डाल देते हैं हम। तो इसको अच्छे से हम हिला देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स करके अच्छे से टॉस करेंगे ताकि सॉस अच्छे से मंचूरियन मिक्स हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप, और इसको भी अच्छे से हम मिला देंगे। तो मंचूरियन हो चुके हैं हमारे रेडी, और इसको अब हम निकाल देंगे एक बाउल में। तो मंचूरियन आ चुके हैं हमारे बाउल में, दिखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे धनिया, और रेडी है हमारे वेज मंचूरियन। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।